हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था अबाउट द प्रोटीन। सो नाउ दिस इज द लेक्चर 6 ऑफ आवर इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बायोलॉजी फॉर इंजीनियर। एंड इस वीडियो में हम लोग एक न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं, नेम इज बायो मॉलिक्यूल। सो मैंने इस मॉड्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, क्योंकि यह बहुत ही लार्ज मॉड्यूल है, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्योंकि आप लोग ज्यादा लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते। ओके, सो ये अप्रॉक्स 15-20 मिनट का हर एक पार्ट होने वाला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है, चैनल को सपोर्ट या सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करते रहे। ओके, सो चलिए बात करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। ओके, सो बिफोर मूविंग टू द बायो मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले हम जानते हैं बायोकेमिस्ट्री होता क्या। ओके, सो बायोकेमिस्ट्री, क्लियर फ्रॉम अबाउट, बायोकेमिस्ट्री मींस लिविंग केमिस्ट्री। सो स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री, सिंपली आप कह सकते हैं। ओके, सो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। एंड कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर नोन एज बायो मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल किसको कहेंगे? कार्बन कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम टिश्यू। फ्रेंड्स, नॉर्मली हम लोग बायो जहां पर लाते हैं कार्बन वहां प्रेजेंट रहता ही है। ओके, एंड डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सेल आर कलेक्टिवली नोन एज सेलुलर पूल। ओके, सो सेल, यहां पर 3 डेफिनेशन आपको याद रखना है, बायोकेमिस्ट्री जो स्टडी है, बायो मॉलिक्यूल्स सिंपली कंपाउंड जो कि कार्बन कंपाउंड रहता है, ओके, एंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग टिश्यू, सिमिलरली सेलुलर पूल जहां पर कलेक्टिवली और कह सकते हैं सभी बायो मॉलिक्यूल को एक जगह कंबाइन करते हैं, सो कहते हैं सेलुलर पूल। ओके, सो ये 3 डेफिनेशन आप याद रखें। कंपाउंड कार्बन आर सेंट्रल पार्ट ऑफ लाइफ फॉर द प्लैनेट। ओके, एंड कार्बन कंपाउंड इंक्लूड डीएनए जो कि आपको पता है, डाई रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर जेनेटिक ट्रांसफर टू। ओके, एंड जीन ट्रांसफर में या आप कह सकते हैं कि वेरियस इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन में भी ये दोनों मदद करते हैं, दैट द डीएनए एंड आरएनए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट, दे ऑल्सो इंक्लूड अमाइनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड एंड लिपिड। ओके, सो ये सब भी बायो मॉलिक्यूल्स होता है। सो हम लोग इस वीडियो में बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। चलिए अपना फर्स्ट बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। सो आप देखिए बर्ड से क्लियर, कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, सो इट इज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इंपेरिकल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है CXH2O by। ओके, एक्स बाई यानी वेरी कर सकता है, अगर 1 रहा तो CH2O, 2 रहा तो C2H2O2। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला वेरी। ओके, बट मेन यहाँ इंपेरिकल फॉर्मूला याद रखेंगे, उसमें कार्बन और वाटर रहेगा ही। ओके, सो बेस्ड ऑन द साइज कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ओके, मोनोसैकेराइड क्लियर वर्ड से मोनो मीन सिंगल, जहां पर सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहेगा उसको मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड अगर 2 से 10 यूनिट तक कार्बोहाइड्रेट रहे, जनरली कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, उसको कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मीन अगर 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंबाइन हो, उसको कहेंगे पॉलीसैकेराइड, और ऑल्सो कहेंगे पॉलीमराइड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मूव करते हैं अपना फर्स्ट, दैट इज द मोनोसैकेराइड। ओके, सो हर एक के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड। ओके, और सिंपली कौन है? सिंगल यूनिट। ओके, सो दिस विल कंसिस्ट अ सिंगल यूनिट, अ बेसिक यूनिट, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सुगर। यूजली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कलरलेस, वाटर सोल्यूबल एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सो इनका कोई कलर नहीं होता मोनोसैकेराइड का, और नॉर्मली ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ओके, एंड वाटर में घुल सकते हैं एंड हैव अ स्वीट टेस्ट। ओके, सम मेजर मोनोसैकेराइड सच एज ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ओके, सो मोनोसैकेराइड क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारा मोनोसैकेराइड और अप्रोक्स 2 to 8 मोनोसैकेराइड मिलकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं और द मोनोसैकेराइड। सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन मोनोसैकेराइड डिवाइडेड इंटू 4 to 5 पार्ट। ओके, सो फर्स्ट ट्रायोज, अगर 3 कार्बन रहा तो ट्रायोज, 4 रहा तो टेट्रोज, 5 पाइंट टू पेंटोज, 6 रहा तो हेक्सोज एंड 7 रहा तो हेप्टोज। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। सिमिलरली फ्रेंड्स, सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, कार्बोनाइल ग्रुप आपको पता ही होगा। ओके, सो दे इंक्लूड अल्डोज, दैट इज द अल्डिहाइडिक ग्रुप, एंड कीटोज जो कि होता है कीटोनिक ग्रुप। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप क्या क्या है क्लासिफिकेशन? कीटोज एंड अल्डोज। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप मीन्स OH ग्रुप का अटैचमेंट के अकॉर्डिंग ये क्लासिफाइड 2 में। ओके, हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्मेशन में भी ये पार्टिसिपेट करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, अल्फा एनोमर एंड बीटा एनोमर। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपका एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, मीन्स 2 मार्क्स का या 1 मार्क का आ सकता है कि अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर में डिफरेंस क्या है। ओके, सो अल्फा एनोमर क्या है? अगर OH ग्रुप प्रेजेंट रहा बिलो द प्लेन, यानी अगर ये प्लेन है तो इसके अगर नीचे अगर प्रेजेंट रहा तो इसको क्या कहेंगे? अल्फा एनोमर। इफ इट इज प्रेजेंट अबव द प्लेन देन दिस वी कॉल्ड एज अ बीटा एनोमर। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया अल्फा एनोमर बीटा एनोमर।
चलिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देख लें। ओके, आपका ये स्ट्रक्चर आपको मीन्स ध्यान में रहना चाहिए, एग्जाम में आता है कि सो वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शंस से रिलेटेड स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। एच सिल्वर बॉन्ड ओ, ओके, यहाँ ये रिपीटेड बॉन्ड है एच सी ओ एच, एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन, लास्ट में आपका सी एच टू ओ एच रहता है। सिमिलरली ये हेमीसिटल और इंटरमीडिएट यूज कर रहता है ग्लूकोज का ये, एंड दिस इज द हावर प्रोजेक्शन। सो आपने प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा ही होगा, बट इसको आपको मीन्स ज्यादा जानकारी लेने का जरूरत नहीं, जस्ट बेसिक टेस्ट लेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया था कि आपको बायोलॉजिस्ट नहीं बनना, जस्ट यू हैव टू टेक द बेसिक नोट्स और आप कर सकते हैं बेसिक स्टडी आपको बस जानना है। सिमिलरली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, इसका फिशर प्रोटेक्शन है, मैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा बाद में। ओके, बट अभी बस आप इसका स्ट्रक्चर देखें, हेमिसिटल एंड दिस इज द हावर प्रोजेक्शन। सिमिलरली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। सब एग्जाम के रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट आप उसका इंपॉर्टेंट याद रखें, मीन्स इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बस याद रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर चेंजेस क्या है फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज में सिंगल सी एच टू एच है, बट यहाँ पर क्या दोनों साइड में सी एच टू एच है, सो दिस इज जस्ट मेजर है डिफरेंस बिटवीन देम। सो फ्रेंड चलिए मूव करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड। ओके, सो मोनोसैकेराइड का क्या फंक्शन है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मोनोसैकेराइड सच एज द ग्लूकोज एक्ट एज अ फ्यूल, मीन्स फ्यूल और आप कह सकते हैं एनर्जी प्रोवाइड में भी मदद करता है, और इट ऑल्सो हैव टू ड्राइव सेलुलर एक्टिविटीज। ओके, सिमिलरली मोनोसैकेराइड आर लार्जली फॉर्म कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ओके, सो मोनोसैकेराइड से डीएनए आरएनए बनता है, सच एज द नैट फैट एंड एनर्जी कैरियर। ओके, दैट सच एज द एटीपी आपको पता है। सिमिलरली दे सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ऑब्वियस है मोनोसैकेराइड से ओलिगोसैकेराइड बनता है, सो बिल्डिंग ब्लॉक हुआ। एंड मोनोसैकेराइड आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट अदर कंपाउंड्स एज द ग्लूकोज, इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैट्स, चिटिन, अमीन, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा। दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड। योर फ्रेंड मुझे पता है मैंने एनएडी एंड एफएडी का फुल फॉर्म नहीं बताया, सो आपका ये होमवर्क है, आप ये नेट से सर्च करके देख लें दैट द एनएडी एंड एफएडी फुल फॉर्म। ओके, कमिंग टू आवर सेकेंड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो कि होता है डाइसैकेराइड। क्लियर वर्ड्स, डाइसैकेराइड, डाई मीन्स टू। ओके, सो व्हेन टू मोनोसैकेराइड कंबाइन टुगेदर देन फॉर्म अ डाइसैकेराइड। ओके, एंड व्हेन दे फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। ओके, सो जब भी दोनों कंबाइन होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा एंड फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप ओनली। ओके, डाइसैकेराइड गेट्स फॉर्म, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इमर फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ वाटर इज रिमूविंग, ओके, वाटर यहाँ पर रिमूव हो रहा है, तो इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन आपको पता है कि जब भी वाटर रिमूव होता है तो वहां पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन टेक प्लेस होता है। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द मोनोसैकेराइड कंस्टिट्यूएंट डाइसैकेराइड्स आर समटाइम क्रिस्टलाइन, समटाइम वाटर सोल्युबल एंड समटाइम्स स्वीट टेस्टिंग एंड स्टिकी फिलिंग। ओके, सो डाइसैकेराइड्स का वेरियस कैरेक्टरिस्टिक होता है, कभी कभी वो वाटर सोल्युबल होते हैं, कभी कभी वो स्वीट टेस्टिंग होता है, कभी कभी स्टिकी फिलिंग यानी चिपचिपा जैसा फिलिंग होता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल अबाउट द डाइसैकेराइड। रिमर फ्रेंड्स आपको एग्जाम में जस्ट इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लिखने को आ सकता है एंड टाइप्स का भी आ सकता है। तो चलिए मूव करते हैं अपना टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड। सो पहला टाइप्स है डाइसैकेराइड्स का, दैट इज द रिड्यूसिंग सैकेराइड। ओके, सो रिड्यूसिंग सैकेराइड ऑब्वियस है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग। ओके, एंड इन दिस सुगर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मोनोसैकेराइड आर फ्री हेमीएसिटल और हेमीकेटल यूनिट। ओके, विच इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग। सो ये फ्री हेमीएसिटल या हेमीकेटल अगर यूनिट नहीं रहा तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस है गाइस, कोई भी अगर एटम फ्री नहीं रहेगा देन हाउ इट विल रिड्यूस। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। एग्जांपल इसका है माल्टोज या लैक्टोज। ओके, दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग सैकेराइड। ओके, नॉन रिड्यूसिंग ऑब्वियस है कि दिस हैव नॉट फ्री हेमीसिटल और हेमीकेटल यूनिट। ओके, एंड दस इनकेपेबल ऑफ रिड्यूसिंग। एग्जाम्पल इसका फ्रक्टोज। ओके, फ्रक्टोज। सो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए माल्टोज का, यहाँ पर ये अल्फा ग्लूकोज से दो एच बॉन्ड कंबाइन होकर बनाए हैं। ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। सिमिलरली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, यहाँ देखिए दो एच ओ एच इन अपोजिट डायरेक्शन में कंबाइन हो रहे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ओ एच ओ एच, ये मीनस ये दोनों कंबाइन होकर एच टू यहाँ पर ली हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, और आप कह सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन यहाँ प्रेजेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ वाटर आप देख सकते हैं यहाँ रिलीज हो रहा है। ओके, सिमिलरली हेयर ऑल्सो इन लैक्टोज एच टू इज रिलीजिंग, दैट्स व्हाई वी ऑल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सिमिलरली फ्रेंड्स आप लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, यहाँ भी देख सकते हैं ओ एच ओ एच दोनों कंबाइन होकर एच टू यहाँ पर निकल रहा है। ओके, दिस इज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज दोनों मिलकर सुक्रोज बनाया एंड हेयर बेसिकली वाटर इज रिलीजिंग, दैट्स व्हाई वी आर हेयर रिप्रेजेंटिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो फ्रेंड्स दस बी आर कम्प्लीटेड द डाइसैकेराइड। अब बात करते हैं थोड़ा बेसिक की व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड का काम क्या होता है। सो पहला दे एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, फूड मटेरियल की तरह काम करते हैं। सेकेंड एनर्जी प्रोवाइडिंग फ्यूल, क्योंकि प्रोटीन ऑब्वियस है सॉरी कार्बोहाइड्रेट ऑब्वियस है कि एनर्जी प्रोवाइड तो करेगा। एंड थर्ड इट ऑल्सो हैव अ ह्यूज रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूरिशमेंट। ओके, सो न्यूरिशमेंट या बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग में भी ये मदद करता है डाइसैकेराइड। सो फ्रेंड्स दस वी हैव
इंडेड आवर दिस लेक्चर। लेक्चर थोड़ा छोटा ही है, अप्रोक्स 10-12 मिनट्स का है। मैंने जानबूझकर छोटा रखा हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। तो आपको कैसा लगा, वेदर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कमेंट करें जरूर। कोई भी सजेशन फीडबैक है, फील फ्री टू कमेंट हियर। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड फॉरगेटिंग नोट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल यू कैन ज्वाइन अवर स्टडी ग्रुप। होप इन्फॉर्मेटिव टू यू। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।